हेलो फ्रेंड्स, सुनीता शर्मा किचन में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे बहुत ही सिंपल तरीके से और एक अलग तरीके से बहुत ही टेस्टी चटपटी कटहल की सब्जी। और कटहल की सब्जी बहुत ही ज़्यादा शरीर के लिए फायदा करती है, तो सीजन के टाइम इसको ज़रूर खाना चाहिए, कटहल की सब्जी को। तो चलिए वीडियो बनाना स्टार्ट करें। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़, जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो धन्यवाद, जो नहीं करे हैं तो कर लीजिए, और साइड में बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूले, जिससे कि हमारे नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो कटहल की सब्जी बनाने के लिए ये हमने आधा किलो कटहल लिए हैं और 3 कटे हुए प्याज लिए हैं। इनको हम इसका छिलका उठा के और ले लिए हैं। इसको बारीक कट करके आप ग्रेवी भी बना सकते हैं, अगर बनाना चाहो तो आप वैसे भी बना सकते हैं। और ये लिए हमने 10 से 15 लहसुन की कली। तो चलिए इसको हम सबसे पहले कट करेंगे, हाथों पे अच्छे से ऑयल लगा के, और फिर इसको कट करना है, नहीं तो बहुत ज्यादा चिपकता है हाथों पे। तो देखिए, हम हाथों पे अच्छे से ऑयल लगा लिए हैं और चाकू को भी बिल्कुल ऑयल लगा के फिर इसमें कटिंग करें। तो ये देखिए, हम अच्छे से ऑयल लगा लिए हैं, चाकू को भी अच्छे से ऑयल से ग्रीस कर लिए हैं, और अब इसके हम कटिंग करेंगे। तो आप इस तरीके से अगर हाथों के तेल लगा के या घी लगा के, आप कोई भी चीज लगा के इसकी कटिंग करेंगे तो बिल्कुल भी हाथों पे नहीं चिपकेगा और बहुत ही जल्दी कट के तैयार हो जाता। नहीं, वैसे बहुत ज़्यादा टाइम लगता है कटहल की सब्जी को काटने में। तो ये देखिए, हम कटहल को भी काट लिए हैं और बहुत ही जल्दी कट के और तैयार हो गया। इस शेप में हमने काटे हैं और इसके बीज बहुत ज़्यादा कड़क रहते हैं, तो आप उसको निकाल कर इसको छील के आप डाल सकते हैं, या अगर आपको नहीं पसंद है तो आप उसको निकाल भी सकते हैं। तो चलिए, हम प्याज और लहसुन और हरी मिर्ची की हम ग्रेवी बना के और तैयार करेंगे। तो ये हम कढ़ाई लिए हैं, गैस ऑन करेंगे। तो ये हम ऑयल भी ऐड कर दिए हैं। तो देखिए, तेल हमारा गर्म हो चुका है, तो हम सबसे पहले कटहल को हल्का थोड़ा भून के और फिर इसको तैयार करेंगे, फिर ही हम मसाले तैयार करेंगे। तो इसको हल्का हल्का इसका सॉफ्ट करना है, और इस तरीके से आप कटहल की सब्जी बनाओगे तो बहुत ही टेस्टी लगती है, बहुत ही खाने में बहुत ही सॉफ्ट और बहुत स्वादिष्ट बनती है ये सब्जी है जो, और शरीर के लिए भी बहुत ही ज़्यादा फायदा करती है। तो इस तरीके से हम इसको चलाते हुए ये हाई फ्लेम पे इसको हमारे को हल्का सॉफ्ट करना है इसको। तो ये देखिए, सब्जी हमारी कटहल है जो सॉफ्ट हो चुका है, अब इसकी हम गैस बंद कर देंगे। तो चलिए, हम मसाला तैयार करेंगे इसके लिए। आप देख सकते हैं, बहुत ही जल्दी भी पक के तैयार हो जाती है सब्जी है जो। तो हम इसकी सब्जी को निकाल दिए हैं, कटहल को, और अब इसी कढ़ाई में हम मसाला तैयार करेंगे। तो अब इसमें हम ऑयल डालेंगे। तो ये देखिए, तेल हमारा गर्म हो चुका है, अब इसमें हम ऐड करेंगे 1 चम्मच जीरा, 1 चुटकी हींग, और ये हमने गरम मसाला में कुछ पत्ते तेज पत्ता के लिए हैं और कुछ लौंग, और हमने 1 इलायची लिए हैं, इसको भी ऐड कर देंगे। तो ये हमारा गरम मसाला है जो भी भुन चुका है, अब इसमें ऐड करेंगे लहसुन, अदरक, हरी मिर्ची, और हमने प्याज का पेस्ट बनाया है, इनको सभी को ऐड कर देंगे इसमें। तो देखिए, प्याज का और हमने एक बैटर बनाया था, पेस्ट बनाया था, इसको हम ऐड कर दिए, तो इसको अच्छे से भून लेंगे। तो ये देखिए, प्याज हमारा भून चुका है, इसे अच्छे से पक चुका है। तो अभी टाइम हम ऐड करेंगे इसमें टमाटर। तो टमाटर की हम ग्रेवी नहीं बनाए, टमाटर को हम ऐसे ही तरीके से काटे हैं, 1 टमाटर को 4 पीस करे हैं, और तो इसको भी अच्छे से पकेंगे जब तक इसको पकाना है, अच्छे से सॉफ्ट नहीं होंगी तब तक इसको पकाना है टमाटर को। तो देखिए, टमाटर भी हमारे पक गए हैं, अब इसमें ऐड करेंगे हम मसाले। तो मसाला हम लिए हम 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच धनिया पाउडर, और 1 चम्मच हमने कसूरी लाल मिर्ची लिए हैं कलर के लिए, ये इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। तो
दो चम्मच नमक, नमक आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं कम या ज़्यादा, आधी चम्मच चाट मसाला और एक चम्मच हम गरम मसाला ऐड कर रहे हैं। अब इनको हम सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए मसाले हमारे अच्छे से पक चुके हैं। ये तो ये हम कटहल को एक दूसरी कढ़ाई में निकाल दिए थे, तो अब इसके ऊपर हम मसाला ऐड करेंगे। तो ये देखिए मसाला हम ऐड कर दिए हैं, अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और तो इस तरीके से आप सब्जी बनाओगे तो बिल्कुल आप रेस्टोरेंट की सब्जी खाना बिल्कुल ही भूल जाओगे। बहुत ही अच्छी सब्जी बनेगी ये और बहुत ही सिंपल तरीके से बन के तैयार हो जाती है, बहुत ही टेस्टी सब्जी भी लगती है ये। तो आप इसके अगर इस तरीके से सब्जी बनाओगे तो एक की जगह चार रोटी खाने को मजबूर हो जाओगे। तो मसाले हम अच्छे से कटहल में मिक्स कर दिए। तो जो हम कढ़ाई में मसाला तैयार करे थे उसी को धो के हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करें कटहल की सब्जी में। आप चाहो तो सूखी भी बना सकते हो, अगर रसा वाली पसंद है तो आप रसा वाली भी बना सकते हैं। अब इसको हम 2 मिनट के लिए ढक के और फिर पकाएंगे। ये देखिए सब्जी को हमारी वो 2 मिनट हो गई है और अच्छे से पक भी गई है ये सब्जी। तो अब इसमें हम लास्ट में ऐड करेंगे धनिया पत्ती। तो ये देखिए सब्जी हमारी बनके और तैयार हो चुकी है, बहुत ही सिंपल तरीके से बनाए। तो प्लीज़ हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट्स करना नहीं भूले। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।